भाई मेरा बेस किसने तोड़ा है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रांड न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम जाने वाले लिली विल में और बनाने वाले एक अल्टीमेट फोर्ट्रेस। भाई तुमको पता ही होगा लास्ट टाइम कैसे वो हैकर स्निकिंग करके मुझे मेरे घर में मार जाते हैं भाई TNT लगा के। तो मैं एक ऐसा फोर्ट्रेस बनाऊंगा भाई, कोई मेरे घर में आने से पहले ना 100 बार सोचेगा। तो बेसिकली एक मैं नया घर बनाने वाला हूँ, क्योंकि भाई पूरा हैकर ने ना TNT से मेरा घर तबाह कर दिया है। तो उसके लिए मुझे एक नया घर चाहिए होगा और एक सेफ घर चाहिए होगा जो हमको आज बनाना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, आप लोगों में से 70% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है। गाइस अगर आपको ऐसे ही वीडियो रेगुलर चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज यार, 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। और भाई का इंस्टा भी फॉलो कर दो और डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में। अरे फ्लीट भाई हो क्या यहाँ अगल बगल में? यार हाँ देव भाई बताओ यार। अरे हो कहाँ पर आप? यही हूँ भाई, यही हूँ। कहाँ पर हो? जब काम के लिए बुलाता हूँ तब नहीं आएंगे, काम जिससे मैं कर रहा हूँ उससे मैं दिमाग खाने। यही हूँ भाई, बताओ तुम, बताओ क्या काम होगा? यार मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी यार आपसे। कहाँ हो आप? बिल्कुल भाई, तुम्हारी बात है तो इम्पोर्टेंट ही होगी, है ना? अरे यार ऐसा क्यों बोल रहे हो, एक बार आओ तो सही। कहाँ पर हो आप मुझे बताओ, मैं आता हूँ। मैं घर के पीछे वाले पहाड़ पे हूँ, जो मेरे घर के जस्ट पीछे वाला पहाड़ है। आपका घर कौन सा है, जैक वाला है आपका वाला? अरे भाई मेरा वाला भाई, चलो अच्छा लगा सुन के भाई। जैक, एक मिनट, जैक वाला नहीं, वो भी मेरा ही है कायदे से। अच्छा आपका है वो? हाँ। तो फिर ये घर किसका, मैं रख लूँ या अलग घर? अबे तुझे बता दूंगा ओए, दोनों ही मेरे हैं एक तरह से, बस वो वाला जैक के नाम पे है, समझ रहे ना? वो करते नहीं है, अपने चाचा चाची के नाम पे घर ले लेते हैं, वैसे वाला। फिर आप उस घर में तो कभी दिखते नहीं मुझे यार। अरे भाई यार तू अपना काम करना, तुझे क्या काम है बता दे भाई। अरे घर में नहीं दिखते, उस घर में नहीं दिखते। अरे अरे इलेक्शन से रिलेटेड बात करनी थी यार आपसे, इधर तो आओ, इम्पोर्टेंट बात है काफी। अच्छा क्या बात है, इलेक्शन से रिलेटेड बताना तो जरा। यार आप दिख क्यों नहीं रहे हो मुझे, मैं तो वहीं आ गया हिल पे। मैं भी वहीं पर हूँ, कैसे नहीं दिख रहा हूँ मैं तुझे, मेरे को इतना बता दे बस। आ गया, दिख गया मुझे, दिख गया। आपके पीछे क्रीपर आ गया भाई, फ्लीट भाई, क्रीपर। अरे बढ़िया है फटे भाई, क्रीपर से दूर रहता हूँ मैं अब। तो यार अरे फ्लीट क्या हो गया, तुम एक दो मॉब से डर जा रहे हो क्या? रुको चलो मैं सो के आता हूँ, रुक जाओ। सो जाओ। हाँ तो क्या काम होगा तुमको दोस्त अब? अरे फ्लीट भाई मेरे को लग रहा है ना इस बार लीडर आप ही बनोगे, समझ रहे हो? हाँ वो तो कह रहे हैं यार, बात तो है मेरी, लगता तो मेरे को भी ऐसी है। हाँ बट यार तुमको पता है ना मैं सोच रहा हूँ किसको वोट दूँ यार, मैं कंफ्यूज यार अभी भी। मतलब हेलो भाई, सब कुछ कर करके दिया तुम्हें, बचा के दिया, किसको वोट देना चाहिए तुम्हें भाई, बताना तो मेरे को एक बार जरा। मतलब फिर वही ना, एक छोटा सा काम चाहिए था अगर आपको मेरा वोट चाहिए तो, समझ रहे हो? क्या काम है यार? थोड़ी सी जमीन चाहिए थी यार, थोड़ा सा प्लॉट बढ़ाना है मुझे अपना। कितना प्लॉट दिखाना जरा, कितना प्लॉट बढ़ाना है तुम्हें? मतलब वो जो बेकार सा घर नहीं है वो काला वाला, वो टूट जाएगा साइड से। कौन सा वाला घर कह रहा तू भाई? मैं अपना मेरा को देख रहा हूँ, रूफ अच्छा, काली हाँ, है पूरी। अच्छा हाँ वही, थोड़ा ना तेरे को बताता हूँ, तू जितना डबल मीनिंग चल रहा है ना, तू जो सोच रहा है तू मेरे को, मैं तो गधा हूँ, मेरे को तो कहाँ ही पता चलेगा तो क्या बोल रहा है ना। मैं दिखा रहा हूँ आपको, दिखा रहा हूँ। कौन सा घर है ये घर देख रहे हो ना, मेरी काली रूफ है, ये सब पूरा तोड़ना पड़ेगा यार, मैं नया घर बना रहा हूँ ना। अच्छा तो कहाँ को चाहिए तेरे को जमीन, ये बता मेरे को फटाफट यार। फिर ऐसी मेरे को 4 मतलब 6 ब्लॉक एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। किधर को चाहिए? मतलब कहीं भी थोड़े ऐसा जगह दे दो ना, दोनों जगह पे मतलब बेकार ना हो दोनों जगह, समझ रहे हो? 3 वहाँ दे दो 3 वहाँ दे दो ऐसा, समझ रहे हो? हाँ सही कह रहा है। चल ठीक है फिर ऐसे कर लेते हैं, रुक जा मैं तेरे को ना बाउंड्री बना के दे देता हूँ, ठीक है? ये तेरा घर है तो 1 2 3 4 इधर को 4 दे रहा हूँ मैं तेरे को, ठीक है? ठीक 1 2 3 और ये चौथा, ये जो तेरा ये जा रहा है, ठीक है, 12 टाइप है। और उसके बाद इधर से मैं तेरे को दे दूंगा 1 2 3 4, ठीक है? तो ये इससे भी मिल नहीं रहा है, ठीक है? तो 4 इधर को 4 इधर को, ठीक है? ठीक है फिर ये इससे। हाँ हाँ बोलो 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 आप। हाँ बोलो, नहीं 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 फिर मैं वो बोल रहा था ना, इसका कुछ रकम देनी पड़ेगी क्या इसकी? अब देखो कायदे से कितनी बनती है मैं बता देता हूँ, 4 ये हो गई,
और फिर पीछे को ये कितना है, इतना घर है ना, तो ये देख लो तुम यार, 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेंथ इनटू ब्रेथ कर लो, 36 इधर हो गए और फिर तुम इधर को आते हो तो 36 इधर हो गए, है ना। और 36 नहीं एक्चुअली, एक आगे को भी तो मिल रहा है, तो मैं दो आगे को ना, ये वाला, ये मैं तो मानता हूँ ये घास तक का तुम्हारा ब्लॉक है ना, ऊपर को भी आ रही, देखो तुम्हारी ये तो पहले से है ना, तो ये पहले से, नहीं वो पहले से 4x9 है ना, 4x9, 4x की जगह 6x9, 6x9 हो गया, 6x9 6x9 कितना होता है, 54 54, तो 108 आयरन देने पड़ेंगे तेरे को ना। अरे ये आगे के तो पहले से है ना फ्लिट भाई, 108 ब्लॉक ज्यादा मिल रहे हैं तेरे को भाई, क्या बात। ये देखो ना, ये रोड जो है ये भी तो मेरी है ना, तो मैं थोड़ा आगे भी बना सकता हूं तेरी रोड, ये तो ऐसे तो सरकार की रोड, ऐसे तेरे घर के आगे वाली रोड तेरी रोड। मेरी बात सुनो, ये रोड में ये प्लॉट पूरा वेस्ट हो रहा है, मतलब ये जो रोड है यहाँ पर पागल है क्या, आगे को थोड़ा ऐसे खिसका देगा यार, ऐसे तो फिर मैंने भी इतना कर रखा है, मैं भी आगे को खिसका देता हूँ, तो ऐसे तो कुछ भी हो सकता है फिर, है ना, ऐसे तो रोड घेर देगा ना कल को, ये रोड जरूरी है भाई, कल को अगर गाड़ियां खड़ी होंगी तुम्हारी कहाँ पे खड़ी होंगी, ये रोड है जरूरी है, ठीक है। तो तेरे को 108 ब्लॉक दे देना, मेरे को 108 आयरन दे देना, वो उसके ट्रेजरी में जाएगा सरकार की, वो दे देना मेरे को, ठीक है, और तभी जाके एक्सटेंड होगा, उससे पहले एक्सटेंड नहीं होगा, साफ सीधी बात है, ठीक है। अरे फ्रीड भाई बात तो सुनो, आगे हो गया, आइसक्रीम खाली है, आधा छोड़कर आई, ये देख लो, ये बात सुनने के लिए आधी छोड़कर आई, ये देख ले भाई, ये देखो कौन सी रोड कम करनी है, ये देखो, अरे 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 भाई मेरे से मत बोल, उससे वो फ्लीट भाई अपने घर के आगे की रोड कम कर रहे हैं, घर बढ़ा देख ले, एस्थेटिक ये बोल रहा है भाई, ओए क्या कुछ भी बोल रहा है वो, मेन्यू जैक भाई, नहीं कह रहा है घर, कह रहा घर है तो, घर मेरा है तो रोड भी तो मेरी भी, कह रहा कितनी खींच दूं रोड, तो मैं बल कह रहा है पूरी खींच दूं मैं रोड, बल कह रहा है यहाँ तक बना दूंगा घर, बल यहाँ पर बना दूंगा, अबे तेरी कहाँ से हो गई रोड पे, तू कुछ भी बोलेगा क्या, मारूंगा ना तेरे को यहीं पे उछाल उछाल के, अभी फुटबॉल बना दूंगा, मैंने बनाई अभी तो, तूने बनाई तो तेरी रोड तोड़ना हो जाएगी। हाँ यार ऐसे तो ऐसे वो घर तो मैंने बनाया, चलो फिर मैं जैक भाई से डील करता हूँ फ्लिट भाई। अबे क्या क्या जैक भाई से डील करता, जैक भाई आपको एक फ्री का वोट चाहिए, फ्री का वोट नेक्स्ट इलेक्शन में, यार थोड़ी यार जमीन दिलवा दो यार फ्री में, ये लीडर तो बेकार है भाई, आयरन मांग रहे 108 कहाँ से लाऊंगा मैं, गरीब बच्चा, मेरा जैकर ने पूरा घर तोड़ दिया, सब कुछ लूट लिया, कुछ नहीं बचा, दस दे दूं भाई, वो तो 108 मांग रहे ना फ्लीट भाई कैसे हो भाई, हां फ्लीट भाई नेक्स्ट लीडर तो आप ही हो फ्लीट भाई, नहीं बढ़ रही है फ्लीट भाई नेक्स्ट लीडर, अरे नहीं 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 फ्लीट भाई नेक्स्ट लीडर आप हो यार, अरे अरे नहीं 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 फ्लीट भाई अगली स्ट्रीम पे बताऊंगा तेरे को, ये सारा नेदरराइट जाने वाला है। अब क्या यार ऐसा मत करो यार, पहली बार फेदर बॉलिंग फोर मिला यार, वो भी जाएगा ये भी जाएगा, तुम टेंशन मत लो, 1 2 3 4 देख 4 बढ़ा रहा हूँ, यहाँ नहीं 5 बढ़ गया, चार बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और उसके बदले में 108 आयरन होते हैं गवर्नमेंट के, 108 आयरन भर देना और ये हो जाएगा, चल ठीक है तेरे लिए एक चीज कर देता हूँ, मुझे पता गरीब है तू, नहीं एक डील ब्रेक, मुझे नहीं चाहिए तेरा वोट, मैं तो क्लियर बता रहा हूँ तेरे को, ठीक है, मुझे कापा वोट चाहिए भी नहीं, नहीं सुन मेरी बात, नहीं नहीं सुन भाई, गवर्नमेंट से गद्दारी ना कर पे, समझ रहा है ना तू, गवर्नमेंट से भैया ज्यादा ज्यादा नहीं देना इन्हें, पानी भर देंगे हर जगह, हाँ ये भी देखना पड़ेगा यार, ज्यादा भी नहीं यार पानी भर देगा, स्विमिंग पूल के लिए भी मांगने वाला था मैं तो, ना ना हाँ तो वो स्विमिंग पूल घर के अंदर बना दो, छत पे बना देना छत पे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, देखो सिंपल है, 108 आयरन होता है, किस्तों में भर देना, एक दिन एक हफ्ते की तुम भर देना, 108 डिवाइडेड बाई 3 हफ्ते की किस्त देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, 108 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है जल्दी बताना, तो 36, ठीक है, तो 36 आयरन पर हफ्ता मुझे दे देना चुपचाप, और तुम्हें ये जमीन मिल गई, ठीक है, चलो ठीक है, खाते में तब दूंगा, जिससे खाते में लिख लो फिर, थोड़ा लेट हो जाएगा तो खाते में लिख लेना मेरे, मैंने थोड़ा लेट हो जाता है तो फिर तो मैं लौंडे भेजता हूँ, फिर कहाँ गया जैक, कहाँ चले गया ना, हाँ थोड़ा लेट हो जाएगा तो फिर देख लो भाई, गवर्नमेंट भेजेगी अपने बंदे, पुलिस वुलिस आएगी घर पर उठा के ले जाएगी, अभी बता रहा हूँ मैं, वो जेल दिख रही हो यहाँ से, वो जेल में तो बनता मैं, तो वही दोबारा चले जाएगा, ध्यान से रहना, ठीक है, चलो जाओ, हाँ फ्लीट भाई नेक्स्ट लीडर पक्का बनोगे, ठीक है,
वो तो मैं बनूंगा ही यार, क्यों नहीं बनूंगा। मैं देख रहा हूँ भाई, दिल का बहुत वो हूँ मैं यार, मतलब मेरे को दिल ना मेरा पिघल जाता है ऐसे लोगों को देख के। खास कर हमने फ्लीट भाई से मतलब अपने लीडर से क्या बोलते जमीन तो खरीद ली है, मतलब खरीदी नहीं उधार ली है यार। पूरा हैकर भाई, देखो ना यार इनने क्या किया है भाई, पूरा ऊपर का तोड़ के गए भाई। ये बैरल में मेरे भाई यहाँ जो 3-2 बैरल थे उसमें डायमंड्स रखे थे मैंने यार, जल्दबाजी में इसमें सामान चोरी करके गए क्या? अबे यार, अबे सच में सामान चोरी करके गए क्या? अबे यार तुम क्या अबे मैंने एक चीज देखी, फ्लीट भाई ने पूरी बाउंड्रीज बना दी है। ओ भाई वॉच टावर भी बना रखे हैं भाई, कितना एपिक लग रहा है ये। ओ भाई साहब यार कितना प्यारा लग रहा है ये बिल्ड। शीश भाई, भाई जो भी कहो यार, फ्लीट भाई बनाते तो अच्छी चीजें। देखो ये देखो ये देखो, मैं नहीं बता, नहीं भाई कहीं वीडियो देख ली फ्लीट भाई ने, हो गया मेरा काम भाई। अभी फ्लीट भाई सत्ता में है भाई, लीडर से पंगे लेना मूर्खता है, मूर्खता। चलो देखो ना ये भाई कितना प्यारा लग रहा है भाई। लास्ट टाइम ना फ्लीट भाई ने बहुत सही बनाया, लास्ट टाइम वो भाई जो भी थे हैकर्स भाई, तुमको पता है ना, स्नीक इन करके हमारे घर में हमारे पीठ पीछे पूरा क्राउच करके TNT 4 के गए। ये देखो ना, अबे ले कासल बेचारे का घर भी गया, ले भाई इसका तो पूरा गया, ले भाई इसका घर ही जितना, इतना सा घर था इसका, वो भी उड़ गया बेचारे का। रोनिका देखते हैं भाई, रोनिका देखते हैं, रोनिका क्या सीन हो रखा है। अबे यार ये देखो खुला घर है, बैंकट हॉल बनाता है इसके। देखो थोड़ी वॉल बना देगा, ठीक है। मुझे मिला है ये नेदरराइट कार में मिला है, अब ये भी बोल रहे फ्लीट भाई यार ये नेक्स्ट स्ट्रीम में भाई ये भी आर्मर छीन लेंगे, मतलब अलाउड छीनेंगे नहीं, अलाउड नहीं होगा, ले लूंगा बोले तो फ्लीट भाई यार। अबे यार मेरे को, मैं खुश हो गया था भाई, प्रोटेक्शन 4 है, थॉर्न 2 है, मेंडिंग है, प्रोटेक्शन 4 अनब्रेकिंग 3 मेंडिंग। अबे ये देखो भाई फेदर फॉलिंग 4 प्रोटेक्शन 4 अनब्रेकिंग 3, ये कुछ नहीं है भाई। ये देखो अनब्रेकिंग 3 सिल्ट टच एफिशिएंसी 5, भाई मजाक चल रहा है क्या है? ओ भाई साहब क्या बना रखी इनने ये भाई, हैकर्स ने जो भी को ग्राइंड तो किया था भाई। पहले सो जाते हैं यार, बेड का है मेरा। और गाइज देखो मेरा प्लान ये था कि मेरे पास आयरन बिल्कुल भी नहीं था, मैंने कहा फ्लीट भाई से बोलूंगा, क्योंकि फ्लीट भाई ऑब्वियसली बात है यार अच्छे लीडर है, उधारी उधारी तो समझ रहे हो, उधारी किस्तों में दे दी उनने मुझे जमीन। अगर नहीं देते तो सिंपली मैं ये घर क्या बोलते रिपेयर कर देता, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था उस टाइम। अगर नहीं देते तो क्या करता भाई, क्योंकि मुझे बड़ा घर बनाना था। तो भाई लीड भाई यार लीडर अच्छे हैं अपने, उनने मान लिया, बट मेरी एक मिसकैलकुलेशन हुई है। मेरे को लग रहा है थोड़ी और ज़मीन लगेगी, क्योंकि जो मेरे दिमाग में बिल्ड है ना, अभी देखो ना मैंने ये वॉच टावर देख लिया ना, अब भाई मेरे को कुछ अपने घर के छत में ना ऐसे ही कुछ बनाने का मन कर रहा है यार। इंस्पायर हो भाई ये बिल्ड से, इंस्पायर हो गया हो भाई मैं तो। मुझे लग रहा है ना थोड़ा ज़्यादा ब्लॉक लग सकते हैं, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लगेंगे लग सकते हैं। अब भाई यार वही है ना यार, मैंने देखो मेरे को प्लॉट अलाउट हुआ है ये इतना ठीक है, यहाँ से इतना अलाउट हुआ है, तो मेरा घर यहाँ तक आ सकता है। मेरे को पता नहीं है, आ सकता है जो मेरे दिमाग में बिल्ड है। तो भाई लास्ट टाइम तुमको पता था ना, रोनी का घर जला दिया था, रोनी ने जो बैंकट हॉल बनाया था इतना बड़ा भतेरा सा, याद होगा तुम लोगों को भाई साहब। बस मुझे उसी बार का डर है यार, मेरे को बहुत प्यारा बिल्ड बनाना है, बट यार चलो वो लीडर से बात कर लेंगे। अगर उनको नहीं पता चला तो भाई ठीक है, तुम लोग भी मत बताना, मैं भी नहीं बताऊंगा, रात गई बात गई। चलो अपने सीक्रेट बेस में चलते हैं भाई, मुझे सीक्रेट अबे हैं, अबे यहाँ तो माइनक्राफ्ट हुआ करती थी भाई, मेरे सीक्रेट बेस में कौन आया? अबे भाई मेरा बेस किसने तोड़ा ये भाई? एन्चेंटमेंट, वो एन्चेंटमेंट टेबल सब गायब, व्हाट, कौन तोड़ के गया? चलो भाई आयरन तो है, अबे ये क्या है? अबे यार एक पिकेक्स नहीं है मेरे पे भाई, मेरी पिकेक्स यहीं लटकी थी, वो पिकेक्स चोरी करके ले गए क्या मेरे? आयरन ले लो भाई है? ये क्या बदतमीजी है? अच्छा ओके 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 भाई, मुझे याद आ गया, ये बेस कैसे टूट,
मुझे समझ में आ गया भाई, मुझे समझ में आ गया। ओ भाई भाई, जो हैकर्स थे ना वो बहुत दिमागदार थे यार। तुमको याद होगा जब हैकरों ने हम सबको मारा तो मैं अपने घर में रिस्पॉन हुआ, तो क्या बोलते उनने फ्लीट भाई को भी मारा, बट फ्लीट भाई मेरे घर में स्पॉन हुए, समझ रहे हो ना। तो फ्लीट भाई मेरे घर के, ये देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ। अबे यार ये सब तोड़ के चले गए, क्या लोग हो भाई यार। मेरा सीक्रेट बेस इतना ऑब्वियस था क्या, इतना ऑब्वियस था क्या मेरा सीक्रेट बेस। तो फ्लीट भाई ये दरवाजा, ये क्या बोलते हैं, फ्लीट भाई यहाँ स्पॉन हुए थे, तो फ्लीट भाई ये तोड़ के चले गए थे, ठीक है। फ्लीट भाई तोड़ के चले गए तो भाई हैकर ने देखा नहीं भाई, वो भाई किस्मत थी हमारी जो हैकर ने देखा नहीं, खाली उसने मुझे देखा। तो मैंने वो क्या बोलते हैं जो भी था हैकर था उसको मैंने रोक दिया, मैंने कहा यहाँ कहाँ जा रहा, यहाँ कहाँ जा रहा। तो वो बाहर चले गया, मुझे लेके बाहर चले गया। तब उसको लगा, मुझे लगा उसको शक हुआ होगा कोई यहाँ हो भी सकता है, क्योंकि यार ये ऑब्वियस था यार, मेरे ख्याल से बहुत ऑब्वियस था सीक्रेट बेस भाई, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था। सब कुछ तोड़ गया भाई ये, चलो भाई अब मैं यहाँ सीक्रेट बेस, अबे सिलेक्ट है ना, अरे मेरे को लगा बुक मिलेगी, बढ़िया भाई। भाई यार एक पिकैक्स ही बना लेता हूँ, स्टिक है ना। अबे क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं है यार, क्या चल रहा है भाई, गरीबी एट मैक्स। यार उन्होंने सीक्रेट बेस तोड़ दिया यार मेरा यार, वो भाई अबे पिकैक्स, भाई मैं अंधा हूँ क्या भाई। देखो सिंपल सी बात है भाई, फ्लीट भाई ऑब्वियस सी बात है। ओके बहुत, ये क्या कचड़ा भर रखा है मैंने अपनी इन्वेंट्री में भाई। ओके एनवल भी बहुत बहुत, ये तो बहुत कीमती है भाई, इतना आयरन का, वैसे कर्ज में हूँ मेरे को आयरन। चलो ये फेंको भाई, एम्ब्रॉयड ये नहीं तोड़ूंगा यार, ये ब्लॉक नहीं तोड़ूंगा मैं। बेड बेड भी नहीं चाहिए, क्राफ्टिंग टेबल चाहिए मुझे। आ जाओ क्राफ्टिंग टेबल, आ गई क्या, चलो बेड ले लेते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं अपने को। यार भाई अपना सीक्रेट बेस खत्म है भाई, ये पूरा खत्म है, अब यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता भाई मैं, ये भाई पूरा घर तोड़ना पड़ेगा यार मुझे। यार मेरा सीक्रेट बेस तोड़ दिया यार, इतनी मेहनत लगी थी तुम्हारे भाई को बनाने में यार, नो जोक। भाई साहब अभी देखो गाइस मेरा क्या है सीन है, अभी मुझे यहाँ पर एक प्रॉपर सा घर बनाना है, और एक मैं सोच रहा हूँ ना एक 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 फोर्ट्रेस टाइप का बनाऊँ, जिसमें लास्ट टाइम मुझे ना क्या बोलते हैं वो लोग ऐसा स्निकिंग करके मारे थे, तो ऐसा कोई दोबारा ना कर पाए, तो मैं उसके हिसाब से अपना बिल्ड बनाऊंगा। तो मैं अभी के लिए अपने चेस्ट यहाँ रख देता हूँ, ये तोड़ दूंगा मैं, मेरा सामान कलेक्ट करने के लिए है खाली। अभी के लिए मैं सारा फालतू सामान यहाँ रख लेता हूँ, आयरन अपने पास रखता हूँ, ये अपने पास रखता हूँ, थोड़े वुड भी अपने पास रखता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी मेरे पास ये एक चीज़ अच्छी है कि मुझे पूरा बिल्ड मैं ब्लॉक क्या बोलते हैं उसका बनाऊंगा वुड का, तो मेरे पास ये चीज़ अच्छी है कि मेरे पास वो है एक बेड। तुम चले जाओ, ठीक है। मेरे पास एक चीज़ अच्छी है कि मेरे पास एफिशिएंसी 5 है भाई, तो ये कैसे ब्लॉक तोड़ेगी तुमको पता ही है धड़ाधड़ भाई, मुझे पूरा रिसोर्सेज कलेक्ट करनी पड़ेगी। बट यार मेरा सीक्रेट बेस यार, भाई साहब चलो गाइस पहले थोड़ी सी रिसोर्सेज कलेक्ट करके लाता हूँ, फिर क्या बोलते हैं प्रॉपर सा तुमको दिखाऊंगा मैं कैसा मेरा माइंड में कैसा बिल्ड है ना, तो मैं तुमको आउटलाइन बना के दिखाता हूँ। पहले थोड़े रिसोर्सेज चाहिए होंगे यार, क्योंकि बहुत मेरे घर में बहुत सारी रिसोर्सेज थी यार, सब चोरी कर लिया इनने। और सीक्रेट बेस में वो एन्चेंटमेंट टेबल, बहुत सारे डायमंड्स थे, बहुत सारे तो नहीं बोलूंगा बट डायमंड्स थे, वो भी चोरी करके ले गए। क्या नीच लोग हैं यार ये लोग। ओके गाइस मैंने ऑलमोस्ट सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर दिए भाई, कोई नहीं ये नहीं पूछेगा कितना टाइम लगा है। भाई साहब यार ये देख रहे हो ये एक्स भाई, कितनी ओपी एक्स है ना भाई ये, मुझे भाई यार इतने टाइम बाद मैंने एफिशिएंसी 5 से भाई वुड फार्म की है, और ये सारे टूल्स फ्लीट भाई को देने पड़ेंगे, सारे नेदरराइट आर्मर सब कुछ A to Z। भाई यार कुछ तिगड़म बढ़ानी पड़ेगी यार, मैं छुपा दूं क्या, बट उनने मेरे हाथ में सब कुछ देख लिया है यार, मैं भी बहुत तितर बनते घूमता हूँ ना यार, छुपा देनी चाहिए थी यार।
ओए चोर भैया। हाँ भैया क्या कर रहा है तू? है क्या कर रहा है? क्या कर रहा? मैं बस थोड़ा बहुत सामान लिया था भैया। थोड़ा तू मेरे घर में चोरी कर रहा है? मतलब घर तो नहीं है, छपड़ा है, जो भी है भैया। चोरी नहीं बोलते ना अब, सामान आप दे सकते हो, पड़ोसी तो हूँ। अच्छा सामान दे सकता हूँ मैं? क्या चाहिए तेरे को बता, क्या चाहिए बता। चल चल ठीक है ठीक है, जो चाहिए वो ले ले। हाँ। अरे यार मैं दिल का अच्छा हूँ यार, ले कहाँ से ले यार, जो चाहिए वो ले यार, चेस्ट में जो चाहिए। नेदरराइट का आर्मर दे दो आपका। क्या चाहिए फिर से बोलना? कुछ नहीं कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं कुछ नहीं। जल्दी ले जो चाहिए चेस्ट से, जल्दी ले। हाँ हाँ जल्दी ले जल्दी ले भैया। एक मिनट एक्स दिखाना तो हुआ था। एक्स दिखानी है? ये देख कैसी है एक्स। मारो मारो मत ऐसे, मारो मत। कैसी है एक्स, कैसी है एक्स? प्यारी है ना, प्यारी है ना। तू ले, तू चेस से ले, क्या लेना है जल्दी ले। बस बस फंस गया, रिकॉर्ड कर दिया, अब गया तू जेल। अब तू जेल में जाएगा, रिकॉर्ड कर दिया मैंने। मैंने कुछ नहीं बोला, कहाँ बोला भाई, तू मेरे घर में चुपके पहले से चेस खोल रहा है, अभी रंगे हाथ पकड़ लिया। मैंने बोला देखो, मैंने बोला अच्छा अच्छा अब तू जेल जाएगा। रुक जा, बताना पड़ेगा अभी, रुको भाई, लीडर को जाना तेरे को जेल, नया जेल बना है। मजे जब हमको जेल में डाला देखो तो बहुत मजे आ रहे थे वहाँ, खुश हो रहा था तू। अरे मजे आ गए बोल रहा था ऐसा भैया। अभी अभी तो ऐसे निकले आपको तो मुझे वहाँ पे डाल दे। तो दोबारा जाएगा ना तू? चोरी कर रहा है भाई, प्रॉपर चोरी कर रहा है मेरे घर में। नहीं, माफ कर देना वापस रख लेता हूँ। आप चोरी हो गई, वापस क्यों रख रहा? ना ठीक है तेको बसना है ना, तेको मतलब जेल नहीं जाना ना, एक काम करना पड़ेगा तेको। रुक जा पहले यार, ये ऐसी बातें रात को नहीं की जाती यार, सुबह सुबह करेंगे। रुक जा सोने दे मुझे, मैं तब तक भाग जाता। कहाँ भागेगा? रिकॉर्डिंग पड़ी है, भाग जा रिकॉर्डिंग पड़ी है। नहीं नहीं तू जा अब मेरा मन नहीं कर रहा यार, अब मैं तेको माफ नहीं अब मैं तेको माफ कर रहा था, अब मन नहीं कर रहा। मैं तेको करने गया था। नहीं मैं तेको माफ करने वाला था, अब मन नहीं कर रहा यार मेरा, छोड़ भैया। अब तू डायरेक्ट नेक्स्ट स्ट्रीम में डायरेक्ट तू जेल के बंद होगा। तू याद है ना, देखो याद है तू स्टार्टिंग में जेल गया था ना, स्मगलिंग कर रहा था डायमंड के। चल ठीक है यार, मैं दिल का अच्छा हूँ। कोई नहीं एक काम कर, तेरे पास एक्स है? तेरे पास कौन कौन से टूल्स है बता? मेरे पास एक पिकेक्स और एक स्वॉर्ड है। पिकेक्स और स्वॉर्ड है, जल्दी से एक एक्स बना के ला और मेरे साथ हेल्प कर ये घर तोड़ने में, नया घर बना रहा हूँ मैं। वाली दे दो ना भैया, आपकी वाली एक्स। अच्छा ले इन्वेंटरी खाली है तेरी? आ जाएगी ना? हाँ मैं कर देता हूँ खाली, मैं खरीदता हूँ खाली। नहीं नहीं कर दूँ खाली, चाहिए? नहीं मैं बना के ले आता हूँ। अबे रुक जा भाई, तेरे पास नेदरराइट आर्मर में फुल स्टैक है भाई, बढ़िया भाई। मत भैया, हम दोनों को साथ में ही तो मिला था, याद तो है। अबे तू फाइट में कहाँ था फिर? तेरे को फाइट में पूरा दिखा नहीं तू मुझे। मैं था रोनी भैया के साथ था मैं। अच्छा रोनी भैया के साथ था तू, पक्का ना? हाँ भागा तो नहीं था वहाँ से? नहीं पक्का वहीं पे था, मैं पक्का वहीं पे था भाई। भैया मैं आ गया भैया। आ जा घर तोड़ना स्टार्ट कर। ये ब्लॉक्स मत तोड़ना ठीक है, ये मैंने जमीन लोन में लिए है। मतलब लोन में क्या लिए है, लोन वोन कुछ नहीं है तेरी। गरीब हो गए क्या? अबे गरीब नहीं हूँ, लीडर से जान पहचान है तेरे भाई की, समझ रहा है भैया? तो ऐसी अबे लोन नहीं लिया है, फ्री में दिया है भाई, वहाँ थोड़े ना समझो ना, ये सब गुमराह करने के लिए लोन वोन दिया है ना। अरे अरे लोन वोन तो क्या क्या, मैं भी फ्री में जमीन मांगूंगा, आपने भी इससे मांगेगा फ्री में जमीन तू? लीडर हाँ मांगना तेरे को कौन सा। गाइस हमने पूरा क्लियर कर दिया है, पूरा सफाट हो गया। बस यार मुझे यही डर है ना, जितनी मैंने जमीन लोन मतलब मैंने ये जो जमीन ली है ना उसमें यार वो ना हो जाए यार। हाँ नहीं मजदूरी दे 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 तो बढ़िया रहता है ना। क्या चाहिए देखो? थोड़ी मजदूरी दे दे दे, इतना सारा काम करवाया आपने। अच्छा जो सामान जो जेब में डाल रखा उसका क्या? कुछ नहीं, वो तो मैंने रख दिया ना, वापस रख दिया ना। अरे अरे सुन ना, तेरा घर भी टूटा है ना, मेरा घर बनने का सामान बचेगा। हाँ तू यूज कर लेना भाई, समझ रहा है?
और आया था भैया, वही तो थोड़ा सामान देने आया था भाई, वो चोरी करने आया था तू, ये अपनी परमिशन से दे रहा हूँ मैं। हाँ बोल बोल। यहाँ कहीं पे आप, यहाँ कहीं पे वो गड्ढा था, मैंने देखा था, कहाँ गया? कौन सा गड्ढा भाई? यहीं कहीं पे गड्ढा। अबे तू वो सच बताओ, सच दिन दोपहर में नशे कर रहा है क्या? नहीं, आप ही के साथ तो था, पूरी रात काम कर रहा था पूरा साफ करने में। तो गड्ढा कब देख लिया तूने? अरे वही जिसके अंदर मैं गया था अभी थोड़ी देर पहले, आपने मेरे को रोक दिया था। सपने देखता था तू दिन में खड़े खड़े? नहीं नहीं भैया, मैं जाग रहा था तब, तब आपने मेरे को रुका था वहाँ पे जाके, बोला था कि यहाँ पे तेरी डेड बॉडी मिलेगी। अच्छा, अरे वो कुछ नहीं है भाई, मैंने ऐसी माइनिंग, मेरा माइनिंग एरिया तो समझ रहे, जहाँ मैं माइन करने के नीचे। पहले आप बोल रहे थे वो हैकर का भेज, फिर आप बोल रहे माइनिंग। सच बताओ यार, क्या सीक्रेट बंकर है ना वो? सच बताऊँ क्या? सच बताओ। बता दो बता दो, फिर मैं भी आपको एक राज की बात बताऊँ। अच्छा तू भी बताएगा? तू बता पहले, तू बता, चल तू बता रहा भैया। पहले आप बता, बताओ तो सही कि वो आपका बंकर था कि नहीं, ये बताऊंगा ना। हाँ हाँ बंकर, हाँ वो मेरा बंकर था। बता बता बता, मेरे को दिखाना तो। अरे खत्म है, वो तोड़ दिया है बंकर, क्या करेगा देख के। वो हैकरों ने बंकर तक नहीं छोड़ा भाई, लूट मार कर दी, सब कुछ तोड़ दिया। देखते है ना, एक बहुत बहुत तगड़ी चीज है मेरे पास, फिर मैं आपको। कहाँ था वो? कहाँ से था? कहाँ से था वो? इधर ही कहीं पे था वो रास्ता। अब आपका बंकर आपको बता। अबे दफना दिया बंकर मैंने। ये आई, चल तोड़ दे डायमंड की भी, कैसे तो यूज कर उसको। कौन सा बंकर बोल रहा है भाई? अबे कुछ नहीं बचा यार यहाँ। देखते हैं ना भैया, इधर आ जा, इधर आ जा, आ जा, आ जा। पूरा बंद कर दिया, मेहनत करवा रहा है खाली। आ जा, क्या है यहाँ, क्या दिख रहा, देखो क्या दिख रहा है, क्या है यहाँ, तोड़ दिया पूरा। पता नहीं है ना ये किसी और को? अरे, पता नहीं है ना? अरे एकदम सेफ है भाई, हैकरों को पता था, उनको तो फ्लीट भाई ने भगा भगा के मारा है। एक मिनट भैया। हाँ क्या हो गया भैया? मेरे हाथ में कुछ दिख रहा है? तो हेलमेट है, हेलमेट तो मेरे पास मेरे चेस्ट में है। क्या है हाथ में तेरे? ये दिख रहा है? क्या था, क्या था, क्या था? दिखाना दिखाना। अबे पूरा दिखा बे, बे, ये क्या कर रहा है? हाँ अबे चेस्ट प्लेट कैसे है इधर पे? सुनो सुनो भैया, एक रात की बात थी कि वो हैकर को मार रहे थे ना भैया। हाँ मैंने मैंने एक आर्मर टाप लिया था वहाँ से। अच्छा पूरा आर्मर पड़ा है? पूरा पूरा स्टैक पड़ा है आर्मर का? पूरा पूरा सेट ले लिया मैंने, अपने काम आएगा भैया। पूरा सेट ले लिया तूने? हाँ हाँ पूरा 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 सेट मैंने। अबे मेरी बात सुन, मेरी असल एक काम करते हैं, यहाँ पर एक आर्मर स्टैंड लगा दे, यहाँ पर सेव कर ले भाई। मैं ये बोल रहा हूँ सुनो सुनो मेरी बात। हाँ इधर से है ना एक एंट्री पॉइंट मेरे घर से भी निकाल देंगे, दोनों का बंकर एक ही रखते हैं ना भाई। नहीं 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 यार, ये सीक्रेट वाले काम छोड़ दिए मैंने भाई पक्का। हाँ ठीक है, चल रेडी रहना नेक्स्ट स्ट्रीम के लिए। तू पूरी रिसोर्स कलेक्ट कर देना जो हमारे बंकर को एक्सटेंड करने के लिए लगती है, आर्मर स्टैंड सब कुछ। हाँ ठीक है भैया, ठीक है। हाँ मेरी बात सुन अब देख देख, हम दोनों क्या बोलते हैं, एज अ कम्बाइन हो रहे ना, टीम बन रहे ना। तो अब भाई यार एज अ फ्रेंडशिप के लिए यार कुछ तो चाहिए, कुछ तो चीज चाहिए ना। हाँ जो हमारी फ्रेंडशिप को याद करेंगे, जैसे कि मैं तेरे को अपनी आयरन की पिकेक्स दे रहा हूँ, तू मुझे अपने डायमंड की दे दे, समझ रहा है? डायमंड की स्वॉर्ड दे दूँ आपको? नहीं नहीं स्वॉर्ड नहीं चाहिए, पिकेक्स चाहिए मुझे। ये चल ठीक है, तू अपना काम कर, मैं अपना करता हूँ, फिर संडे को मिलते हैं ठीक है? संडे को कैचिंग, मतलब संडे को सब कुछ सेट होगा तेरा। अबे मैं मार देता हूँ यार। चल चल ठीक है, तू जा ठीक है। वो बताते संडे को दो दो आर्मर लेके घूम रहा है, इसकी कैचिंग कराता हूँ, रुको। वैसे भैया 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 कहाँ गए आप? हाँ क्या हो गया? अब सुनो ना एक बात बताता हूँ ठीक है, अब हम दोनों एक टीम में आ ही गए, तो मेरी बात, मेरे पास कोई सेफ जगह तो है नहीं कि मैं वहाँ पे आर्मर रख सकूँ। अच्छा हाँ तो आप संभाल लो ना मैं आर्मर अभी के लिए, फिर मैं बाद में आपसे ले लूँगा। अच्छा नहीं 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 तू ही रख, मैं तो क्या बोलते हैं ना कुछ टाइम के लिए ऑफलाइन जाने वाला हूँ, कुछ कहीं घूमने जाने वाला ना, अगर देखना मैं मेरे पास आर्मर आते हैं। कहाँ जा रहे हैं देव, कहाँ घूमने जा रहे हैं भाई, और क्या रखने की बात हो रही है यार? बस कुछ नहीं फ्लीट भाई, आप यहाँ कैसे आए?
ऐसी मैं तो देखा तुम लोग लिलीविल में बैठे हुए, मैंने कहा कुछ तो अच्छा ही कर रहे हो, क्या क्या रखने की बात हो रही हो, कहाँ घूमने जा रहे हैं? कुछ वही ना, मैं कासल को समझा रहा था कि क्या बोलते हैं नेक्स्ट टीम में पूरा आर्मर नेदर हेड आर्मर जा रहे हैं, समझ रहे हो? अच्छा हाँ हाँ हाँ, बस वही वही है भाई, सबको सब मेरे को पता है सबके पास एक एक तो पढ़ाई है हाँ। तो सबके ही जाएंगे भाई, मोस्टली मेरा भी जाएगा ही, पर हाँ मैं वही बोल रहा था कि क्या बोलते हैं सबके आर्मर जाएंगे, तो फिर वो एक कासल को समझा रहा था ना, दे देना चाहिए, ऐसे छुपाना नहीं चाहिए, वो सब कर रहा था मैं। क्या ये छुपाने की बात कर रहा था अपना आर्मर? नहीं नहीं, छुपाने की सोच रहा था ना, बच्चा है ना, छुपाने की सोच रहा था, फिर मैंने मना किया उसको। हाँ समझ गया ना, मतलब समझदार हो गया ना। हाँ वो तो आपको नेक्स्ट स्ट्रीम में पता लगेगा कितना समझदार है। नहीं है चलो ठीक है, फिर मैं निकल रहा हूँ यार, मैं सोने जा रहा हूँ। चलो बाय 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 ब्रो, बाय 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 बाय। गाइस हमने सब कुछ क्लियर कर दिया, बट मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया क्योंकि यार समझ लो ना अपना घर थोड़ा बड़ा बनने वाला, तो भाई कोई फ्लीट भाई को नहीं बताएगा, उनको पता नहीं लगेगा तो बहुत बढ़िया है। अभी के लिए तीन ब्लॉक यहाँ पर है ना, तो अभी के लिए हम यहाँ पर लगा देते तीन ब्लॉक, 1 2 3, और यहाँ से अपने को कितने ब्लॉक मिले? ओके यहाँ पर से अपने को मिले तो दो ब्लॉक छोड़ के यहाँ पर 2 3 मुझे ओके, क्योंकि हम समझ लो ना थोड़ा बहुत घोटाला कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियस हो जाएगा। तुमको पता है ना रोनी का घर कैसे जलाया था, मेरे साथ ना हो जाए यार, बस यार मेरे साथ ना हो जाए, डर लग रहा थोड़ा सा। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ ना एंट्री उस साइड करूँ, क्योंकि उस साइड थोड़ा खाली खाली सा एरिया, क्योंकि मैं यहाँ पर बनाऊंगा ना, तो मैं इस साइड अगर मैं इस साइड स्टेयर्स भी लगाता ऊपर जाने के लिए, तो फ्लीट भाई का घर ब्लॉक होगा, समझ लो उनका पूरा व्यू व्यू सब ब्लॉक होगा, और यहाँ से एंट्री भी थोड़ी कंजेस्टेड रहेगी। तो मैं सोच रहा हूँ उस साइड थोड़ा खाली एरिया ना, ये देखो यहाँ पर पूरा सामने खाली है, तो मैं यहाँ पर सामने थोड़ा सा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसके लिए मैं ये एरिया यहाँ से एंट्री बनाना स्टार्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर से 9x9 का बनाता हूँ, ठीक है ये है तो अपना, मैंने ये चूज़ करा है ना, ओके तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है फिर यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये अपना 9x9 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब ये 9x9 का स्क्वायर बन गया, तो अभी अपने को ये तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ये तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने को यहाँ से एंट्री बनानी है ना। अभी मैं हर जगह सवल से वो करने वाला हूँ, तो अपने को कोबलस्टोन लगाने पड़ेंगे यहाँ, क्योंकि फिर मैं कन्फ्यूज़ जाऊँगा ना फिर, ठीक है। ये अपना यहाँ से एंट्री बनेगी, तो मैंने इसलिए ये किया, ठीक है। अब इसके अबे यार ये रुको, हाँ ये कन्फ्यूजिंग है थोड़ा, तो अभी ये तोड़ देते हैं हम, ये यहाँ पर ये कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, ये भी कन्फ्यूजिंग है, तो इसको तोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हम आउटलाइन बना रहे हैं तो बाद में हमारे लिए ईजी पड़े थोड़ा। अबे यार ये क्यों लगा दी मैंने, डट लगानी थी, माई बैड, ओके तो ये हो गए डट। अब यहाँ से हम सवल यूज़ करेंगे ना। अब देखो ये अपनी एंट्री, ये अपनी एंट्रेंस है, ठीक है ये अपना एंट्रेंस है। अब अपने को एक और बॉक्स बनाना है, जिससे समझ रहे हो ना, जिससे अपना एक रूम बन पाए, समझ रहे हो, एक दो, मैं एक बॉक्स यहाँ बनाऊंगा, एक बॉक्स यहाँ बनाऊंगा, तो यहाँ पर ये बॉक्स में चिमनी होगी और ये बॉक्स में टावर होगा। तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक दो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, एकदम परफेक्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ से अपने को करनी है 9 की हाइट, ठीक है, यहाँ से ये एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब यहाँ पर से कनेक्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 8 हो चुका है वहाँ पर, ओके ये कनेक्ट करते हैं, ये हो गया एक अपना 9x9 का स्क्वायर हो गया, और एक अपना रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को इनकी बाउंड्रीज लगाना स्टार्ट करनी है, तो बाउंड्रीज लगाने के लिए अपन को देखो एंट्री में थोड़ा एस्थेटिक होना चाहिए, तो मैं ब्रिक्स के लिए जाऊँगा, और नॉर्मल क्या बोलते हैं ओक लॉक जाएँ, स्प्रूस लॉक जाएँ, भाई देखो ना, बट मैं अगर ओक लॉक का पूरा घर, स्प्रूस लॉक का पूरा घर बनाता तो रूफ थोड़ी यार समझो ना, चलो आई गेस फिर ओक ही यूज़ करते हैं, ब्राइट ब्राइट से घर लिखेगा तो मज़े आएंगे लोगों को देखने में भी। तो फिर अभी यहाँ पर ये कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं ये, नहीं, माई बैड, क्योंकि हम ये यहाँ तो हम ब्रिक्स लगाएंगे ना, तो यहाँ लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अबे यार ये कन्फ्यूजिंग है ना ये डट, तो इसको हटा देते हैं, क्योंकि अभी ये और लग जाएगी, प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी। अबे ऑप्टिफाइन सही हो जा, चलो ऐसे करके इसको पूरा आउटलाइन बना देते हैं। यहाँ पर स्टोन की लगाएंगे, ठीक है स्टोन ब्रिक की, ओके गाइज एक सीन हो गया है, बस ज़्यादा बड़ा सीन नहीं हुआ है यार, ये देख रहे हो ना यार, ये देख रहे हो ना,
तब भी जगह नहीं बचेगी यार, तो समझ रहा हूँ थोड़ी रोड कटेगी, फ्लीट बैग को सक हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ अगर थोड़ा सा पीछे हो जाता तो, थोड़ा सा पीछे समझ लो, थोड़ा सा पीछे, जैसे कि समझ लो इतना पीछे, ठीक है, तो अभी अपने को पूरा तोड़ना पड़ेगा यार। नहीं चलो गाइस, दो मिनट दो, पूरा करके मिलता हूँ आपसे। ओके गाइस, हमने तो ये पूरा बना लिया है, देखो हमने नीचे क्या बोलते हैं फ्लोरिंग भी डाल दिया है। यहाँ पर देखो जैसे कि ये पूरा ब्रिक का है तो यहाँ पर फ्लोरिंग वुड की होनी चाहिए, और यहाँ पूरा क्या बोलते हैं वुड का है तो फ्लोरिंग थोड़ी ब्रिक की, मतलब स्टोन ब्रिक की लगा दी, और थोड़ा क्या बोलते हैं समझ लो ना पैटर्न बना दिया है। अब अपने को यहाँ पर है, अब ये यार अपने को क्या करना है पता तुमको, ये अब ये स्ट्रिप नहीं करना था यार। ओके तो अपने को ये सारे स्ट्रिप करने समझ रहे हो, बट यार मैं अच्छा ये पिकेक्स तो जाने, मतलब ये एक्स तो जाने वाले है ना। अबे यार क्यों कर दिया मैंने ये, तो अपने को अभी मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ ना, तो अभी और ले आते हैं तब बाकी ये हालात देखूंगा। ठीक है, इनका पिलर स्ट्रिप नहीं करेंगे, ठीक है, पिलर स्ट्रिप नहीं करेंगे तो पता लगेगा ना कि ये पिलर से ये नहीं है, तो ये सब स्ट्रिप नहीं करेंगे, ये सब तो मैं चलो एंड में स्ट्रिप कर देंगे, अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी जल्दी करते हैं। ओक लॉग ले लेते हैं क्योंकि अपने को पिलर्स बनाना है। अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से अपने को लेनी है 6 की हाइट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 की हाइट लेनी है बस। ये मैं एंड में स्ट्रिप करना स्टार्ट करता हूँ, चलो करना स्टार्ट करते हैं 1 2। ओके गाइस, ये अपना 6 का हो गया। अब सेम अपने को करना है, इसको भी 6 की हाइट लेनी है, ठीक है 1 2 3 4 5 6। अब अपना ये चल रहा है क्योंकि मैं ये रिकॉर्ड करना थोड़ा भूल गया था, अब मैं ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाला हूँ, चलो कोई नहीं। अबे टूट गया भाई, भाई क्या बोलते मेरे ब्लॉग बहुत ख़त्म हो गए थे, मतलब ये ओक लेके आया हूँ भाई बड़ी मुश्किल से, चलो वो बाद में, पहले ये कंप्लीट करते हैं ये और ये। अब ठीक है, ये हो गया अपना, अब ऊपर जाते हैं। अब अपना ये देखो ये हर जगह बना दिया तीनों, जैसा ये मैंने बनाया ना, ये मैंने चारों साइड बना दिया जो अपनी एंट्रेंस है। ठीक है, अब अपनी रूफ की बारी है, तो रूफ यहाँ बनाना स्टार्ट करेंगे हम। मैं बोल दूँ मैं क्राफ्टिंग टेबल लाया हूँ, यस मैं लाया हूँ क्राफ्टिंग टेबल, मैं लाया हूँ तो अभी तो स्लैब चाहिए मुझे, कितने स्लैब हैं, ओके इतने स्लैब बहुत आएंगे इस, यार तू इधर आना भाई जल्दबाजी। ठीक है चलो, हमको यहाँ पर रूफ बनाना स्टार्ट करना है, तो यहाँ से स्लैब लगाते हैं, एक स्लैब यहाँ लगा लेते हैं और एक स्लैब यहाँ लगा देते हैं। अब यार थोड़ा टिपिकल होने वाला है क्योंकि मुझे नीचे, यार चलो कोई नहीं, हो जाएगा सब हो जाएगा। एक ऐसे करेंगे और फिर यहाँ पानी डालेंगे और फिर ऐसे और ऐसे, ठीक है ये अपने को करना है। पानी ले ले भाई, पानी ले ले, फिर अपने को यहाँ से सेम करना है, यहाँ से पानी डालते हैं और यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है ये अपनी हो गई रूफ का सामान। ठीक है, अब अपने को यार, ओके मैं क्राफ्टिंग टेबल लाया हूँ, प्लस पॉइंट है तुम्हारे भाई का, इससे बनाने पड़ेंगे क्या, चलो अपने को स्प्रूस चेयर यूज़ करनी है क्योंकि तुम ना डार्क रूफ रखने वाले हम। अबे पूरी आना भाई, हाँ क्यों भाव खा रही है, चलो ओके अब यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, अबे ये थोड़ा गलत हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है अब सेम यहाँ से भी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, अब इनको सम स्लैब से मिला देंगे ऐसे। ठीक है, अब ये हो गए हमारे रूफ। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कोबलस्टोन लगाएंगे, अब कोबलस्टोन माइन करने जाना पड़ेगा, वो बात अलग है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर रूफ बनाई, अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम रूफ बनाएंगे, तो मतलब यार कुछ हो तो नहीं रहा ना फ्लीट भाई के, उसमें कंबाइन तो नहीं हो रहा ना यार, 1 2 3 यार, अबे यार कम ब्लॉक का गैप है यार, थोड़ा सीन नहीं हो जाएगा क्या, चलो कोई नहीं। अभी देखो जैसे मैंने यहाँ रूफ बनाई, यहाँ पे रूफ बना दें, फिर मिलता हूँ आपको, पूरी रूफ कंप्लीट करके मिलता हूँ।
ओके गाइस फाइनली अपनी लास्ट भाई अपने ये जो एंट्रेंस की रूप बनाने निकला हूँ मैं और यहाँ पर एक टावर बनाने वाला हूँ भाई, उससे इंस्पायर हुआ हूँ भाई मैं। देखो ना भाई ऊपर से लेवल क्या ओपी लगता है यार, देखो ना। ओ भाई अभी यहाँ पर भी चीजें बनेगी, यहाँ पर भी लगेगी भाई। ये अपना बिल्ड ना लिली विल को समझ रहे हो ना, बेस्ट वर्ल्ड बनाने का एक मेरा 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 छोटा योगदान है। अब आई डोंट नो भाई तुम लोगों को कैसा लगेगा बिल्ड, ये एंड होगा तभी पता लगेगा। यहाँ पर मैंने एक चिमनी बना दी है, रूफ टॉप लगा दिया है मस्त करके। ओ भाई चलो गाइस स्टार्ट करते हैं क्योंकि अपने को बहुत टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया लेजिट। नहीं ऐसे नहीं, गलत ऐसे यस, एक ब्लॉक छोड़ गए। अबे यार इसको पानी, यार इसको पानी से लगाना पड़ेगा रे। भाई भाई फिजिक्स भूल जाता हूँ कभी कभार यार, कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ क्या करूँ। अबे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, ऐसे लगा दूंगा। हर डब्बे पानी बच गया, ठीक है ये ऐसे ऐसे। अब देखो यहाँ पर एक ब्लॉक यहाँ, एक ब्लॉक यहाँ, एक ब्लॉक यहाँ, एक ब्लॉक यहाँ, ठीक है। मैं स्लैब लिए, स्लैब लिए, यस स्लैब लिए। तो एक स्लैब ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक स्लैब तू भाई यार तू मत आ यार, और एक ऐसे, ठीक है। ऐसा होने का, ऐसा ऐसा लगेगा। अभी मैं तुमको दिखाता हूँ बाहर से कैसे लगेगा। तो उसमें सारा रिपीट कर देता हूँ एक बारी हर जगह। यहाँ तो शेयर आराम से लग जानी चाहिए। देखो भाई कितना प्यारा बनता है बिल्ड। ओके अपने पास ओक्लॉक है, ओह बच गया भाई मैं। एक यहाँ पर लगाएंगे तो फिर अब इसके सेंटर में, ठीक है, ये सेंटर दो दो के गैप में, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इनको दे देंगे हम तीन की हाइट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब अपने को ये देख रहे हो जो हमने उस टाइम किया था ना उसके साथ जो वाली रूफ की थी, सेम पैटर्न है। बस थोड़ा सा दिक्कत है, हाँ हो जाएगा। अब वहाँ पर भी अपने को रिपीट करना है, सेम पैटर्न है बॉयस, रूफ का पैटर्न, रूफ का पैटर्न सेम है। ऐसे करके वहाँ पर भी करना है और स्टेयर्स लगानी है, बस अपना हो गया, ठीक है। ये अपनी रूफ होगी। अब मेरे पास स्टेयर्स हैं क्या? स्टेयर्स नहीं है, तो गाइस चलो मैं स्टेयर्स लाता हूँ नीचे से। अबे यार क्राफ्टिंग भाई, यार क्राफ्टिंग टेबल जेब में पड़ी है यार। अबे थोड़ा मेरे पास वो होगा ना, खाना वाना होगा यार। चलो पहले खाना भी कलेक्ट करते हैं, ब्रेड भी कलेक्ट करते हैं। और देखो ना अभी देखो मैंने खाली वही ओक लॉक स्ट्रिप किया। ओ भाई कितना मैसिव बिल्ड है भाई, देख रहे हो। अभी खाली ऐसी है, यहाँ पर एक गेट आएगा, यहाँ पर एक एंट्री आएगी और ये पूरा स्ट्रिप होगा। ओ भाई कितना एपिक लग रहा है यार, अभी से ये इतना अच्छा लग रहा है। चलो गाइस मैं ये बिल्ड खत्म करके मिलता हूँ आपसे, ठीक है। गाइस फाइनली अपना बिल्ड कंप्लीट हो गया यार, सुबह के 7 बज गए लिटरली भाई। और तुम देखोगे कैसा बिल्ड हुआ है भाई, यार ये देखो भाई, ये देखो यही भाई, यार क्या बिल्ड हुआ है। गाइस गाइस बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये जो फ्लैग है ना, ये जो फ्लैग है मतलब सुबह अच्छा लगता है, मतलब अभी भी अच्छा लग रहा है। बट मुझे देखो मेरा मन था कि मैं क्या बोलते रेड कलर का फ्लैग बनाऊं, तो यार रेड कलर के अपने पास ब्लॉक्स नहीं थे, उसके लिए हमको नेदर जाना पड़ता या मैनग्रोव बायोम में जाना पड़ता, तो वो मिला नहीं, तो मैंने ब्रिक्स का लगा दिए। अगर ये फ्लैग अच्छा नहीं लग रहा तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, मैं इस फ्लैग को तो अगर आप कमेंट्स में मेजोरिटी होगी कि अच्छा नहीं लग रहा तो उसको हम निकाल देंगे, तोड़ देंगे भाई तुम। बट घर देखो यार क्या ओपी घर है ये, डैम भाई शीश भाई, बहुत टाइम लगा और बहुत मजा आया इस बिल्ड को बनाने में भाई। अबे यार यहाँ लैंटर्न लगाना भूल गया क्या मैं। चलो ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सा रूम है, ठीक है, ये स्टोरेज है और ये हमारा बंकर बेड है, और बंकर बेड में सो जाते हैं यार। भाई साहब क्या बिल्ड है ये भाई, बहुत मजा आया ये बिल्ड करने में भाई। अगर गाइस देखो मुझे तो मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा। आपको एक छोटा सा टूर दे देता हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, लंबा टूर दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो नॉर्मल सा टूर देते हैं अपने को, आपको टावर पे ले आते हैं। ये अपना डाइनिंग टेबल है, यहाँ पर अपना फूड आएगा, चलो फूड लग रहते हैं, चल फूड तू जा। ओके और भाई ये है अपना एन्चेंटमेंट रूम, मतलब यहाँ पर एन्चेंटमेंट बुक आएगी अपनी, वो टेबल आएगी, बट यार हैकर सारे तोड़ के चले गए। और ये नई बुक सेल्फ है 1.20 के अपडेट में, यहाँ पर हम एन्चेंटमेंट अपनी बुक्स रख पाते हैं कस्टम, कैसे बताऊँ मैं तुम लोगों को।
चलो ठीक है, ये तोड़ देते हैं। ठीक है, इससे अपने को बुक मिली, ऐसे रख सकते हैं बुक, देख रहो। ओ भाई कितना कूल है यार ये चीज भाई। और इससे हम अपना क्या बोलते हैं, ऐसे ही हम अपना एक सीक्रेट बेस बनाएंगे जो भाई कोई ना ढूंढ सके भाई। हैकर क्या कोई भी ढूंढ नहीं सकेगा भाई। वो इस बार मैं थोड़ा समझ लो गेट पिस्टन इस्टन से रिलेटेड बनाऊंगा। ये छोड़ो भाई, ये है अपना टावर। अभी तो तुमको ये आला बचा है, इसको अगर मैं दिखाऊंगा तो बहुत वीडियो लंबी खिंच जाएगी। ये भी है, ये टूर भी कराएंगे। बट ये अपना ये टावर है भाई, यहाँ से पूरा लिलीविल दिखता है भाई। तुम्हारा भाई दूर दूर तक देखेगा और एक आँख बंद करेगा, और यहाँ से जो भी भाई जो भी घुसपैठिया होगा उसको ऐसे मारूंगा मैं, समझ रहे हो। अरे यार ये बहुत टूट गया यार, ये तो अबे ये वो वाला है यार, कौन सा वाला यार, क्या कौन सा यार, याद नहीं आ रहा यार। अबे एरो भी ख़त्म कर दिया मैंने, ये वो यार एक्सपी फार्म का। और भाई ये लुक देखो भाई। और गाइज यही है, फ्लैग अगर अच्छा नहीं लग रहा तो हम काट देंगे इसको, मतलब उड़ा देंगे। ये लुक देखो भाई, क्या ओपी लुक है भाई, मज़ा आ गया गाइज। अगर आपको ये बिल्ड पसंद आएगा तो गाइज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और भाई इस बिल्ड पे लिटरली बहुत टाइम लगा, तो आपको वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। जब तक के लिए पीस आउट।